राजस्थान अपने फोर्ट्स एंड पैलेसेस के लिए काफी फेमस है, लेकिन यहाँ शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस तो थोड़ा अलग ही है। राजस्थान के मार्केट्स यहाँ के हिस्ट्री और कल्चर को अच्छे से दर्शाते हैं, फिर चाहे वो हो यहाँ की पेंटिंग्स, कार्पेट्स, ज्वेलरी, टॉयज, मेटल वर्क, फुटवेयर, बैग्स, या हो यहाँ की रंग बिरंगी बांधनी साड़ीज। राजस्थान के मार्केट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि मैंने राजस्थान से क्या क्या शॉपिंग की है। Hi guys, my name is Priyanka and welcome to my channel Priyanka's Vlogs. तो अभी का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है एंड आई नो दिस टाइम इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट डे बाई डे, बट राइट नाउ वॉट वी कैन डू इज स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की ट्रैवल सीरीज सारे तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, लेकिन राजस्थान का शॉपिंग व्लॉग जो था, ये शॉपिंग हॉल था, वो बाकी था। एंड किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था लास्ट वाले वीडियो पे दैट वी वांट टू सी द शॉपिंग व्लॉग ऑफ राजस्थान। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने राजस्थान से क्या क्या शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ से मैंने शॉपिंग की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको आर दीज पर्सेस। अगर आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सेस है ये भी है एंड मेरे पास और दो कलर्स भी है इन पर्सेस में। सो दीज आर टू मोर कलर्स जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। माउंट आबू का मेन मार्केट भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं एंड प्लस दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसके बाहर एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे आपको ये सारे पर्सेस मिलेंगे। वहाँ पे ये पर्सेस काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में है एंड दे हैव लॉट ऑफ वराइटीज़ एंड लॉट ऑफ कलर्स। तो ये वाले जो पर्सेस है ये शादी में अगर आपको किसी साड़ी पे मैचिंग पर्स लेना है तो ऐसे वाले पर्सेस आप लेके रख सकते हो। आप किसी भी आउटफिट पे मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हो। दीज आर वेरी वेरी गुड क्लचेस टू कैरी एट एनी ओकेजन। स्पेशली इनका प्राइस जो है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे लगा नहीं था इतने सस्ते मिल जाएंगे। सिंस मैंने उनके पास से बल्क में ख़रीदे थे, उन्होंने मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ पर पीस चार्ज किया है। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है बैग्स जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो ये एक ब्यूटीफुल बैग है जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। बहुत ही मिट्टी है ये बैग, अगर आप उस पर वो सारा वर्क देखेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है कैरी करने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल और इसका जो काम है जो किया है इस पर दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो और इसका पीछे का जो मटेरियल है पूरा वेलवेट का है। इस बैग का कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज़। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, बहुत सारे वराइटीज़ अवेलेबल थे इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट कलर्स। और ये वाला भी बैग्स, ये वाले बैग इनफैक्ट ऐसे वाले, ये भी मैंने दिलवाड़ा मंदिर के बाहर जो मार्केट था माउंट आबू में वहीं से लिए है। एक बैग है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज़ अ बिट थोड़ा हेवियर इन वर्क एंड ऑल। तो ये वाला मैं लेके आई हूँ, दिस इज़ फ्रॉम उदयपुर। ये थोड़ा बड़ा है साइज में उसी, और इस पर जो काम किया है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है बैग पे। ये वाला बैग मुझे मिला है ओनली फॉर 250 रुपीज़। और कॉलेज गर्ल्स के लिए कैरी करने के लिए ये बैग बहुत ही अच्छा लग गया, स्पेशली ऑन डेनिम्स। इफ़ यू वेयर दिस, दिस इज़ अ वेरी गुड बैग, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वहाँ के दुपट्टे। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दुपट्टे मिले हैं मुझे एंड स्पेशली बांधनी दुपट्टे। आई एम अ मोर फैन ऑफ बांधनी दुपट्टाज, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली वाइट कुर्ती पे इफ़ यू हैव अ बांधनी दुपट्टा उस पर एक मैचिंग लेगिंग हो तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल लुक आता है। तो ये वाला दुपट्टा जो है ये एक ऑरेंज कलर दुपट्टा है, मैंने लिया था वहाँ से सिंपल ऑरेंज कलर दुपट्टा। कॉस्ट मी 400, जो मुझे थोड़ा महंगा लगा, बट इसके अलावा मैंने और दो दुपट्टे लिए हैं एंड लेट मी शो यू दोस दुपट्टास फर्स्ट। ये एक रॉयल ब्लू कलर का दुपट्टा है जो मैंने वहाँ से लिया है, वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। इसका बॉर्डर वर्क अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा और एक दुपट्टा है जो मैंने लिया है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ थोड़ा मल्टी कलर नहीं बोल सकते, दो कलर्स में है। ये देखिए, ये एक रेड एंड पिंक बांधनी दुपट्टा है, इफ यू सी
अपनी दुपट्टा, और ये दोनों दुपट्टे मैं लेके आई थी श्रीनाथ जी से। तो हम लोग नाथद्वारा भी गए थे और वहाँ पे भी उस मंदिर के बाहर इतने सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ये दुपट्टास मिलेंगे, एंड 200 रुपीज़ में ये दुपट्टास हैं वहाँ पे अवेलेबल। लॉट ऑफ कलर्स, लॉट ऑफ वैराइटीज़, और अगर आपको बल्क में ख़रीदने हैं ऐसे दुपट्टेस तो ज़रूर जाइए वहाँ पे, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। सो इफ़ यू विजिटिंग श्रीनाथ जी नाथद्वारा, देन डू विजिट दैट मार्केट। एग्जैक्टली मंदिर के बाहर से वो सारा मार्केट स्टार्ट होता है। नवरात्रि के लिए अगर आप गरबा खेलने जाते हो, यू वेयर डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स फॉर ऑल द 9 डेज, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज दे सेल सो ब्यूटिफुल लहंगाज। एक बांधनी लहंगा है, अगर आप देखोगे ये उसका बॉटम है जहाँ पे एक बड़ा सा बॉर्डर है, यू सी, नाइस मिरर वर्क, एंड प्लस ऊपर ऐसे उन्होंने बांधा हुआ है अभी के लिए, जब भी मुझे यूज़ करना होगा मैं इसको अनटाई कर दूँगी। ये वाला है ब्लू कलर का घाघरा, इसके साथ मैं एक मैचिंग मिरर वर्क दुपट्टा भी लेके आई हूँ, वेरी ब्यूटिफुल। ये एक ब्लू और मरून कॉम्बिनेशन में है, दिस इज़ अ सिंपल कॉटन दुपट्टा, लेकिन इस पर थोड़ा सा मिरर वर्क किया है उन्होंने यहाँ पे। ये वाले दुपट्टा अगर हम नॉर्मल शहर में देखने जाएंगे तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, बिकॉज नॉर्मल सिटीज़ में वो लोग कुछ भी प्राइस बोलते हैं दुपट्टे का, विच इज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 रुपीज़, लेकिन ये दुपट्टा ओनली 200 रुपीज़ में मुझे वहाँ से मिला है। सो लहंगा हैज़ कॉस्ट मी 400 रुपीज़, दुपट्टा इज़ 200 रुपीज़, तो 600 में मुझे दोनों मिल गया। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ज्वेलरी। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ मीनाकारी ज्वेलरी, तो वहाँ पे आपको राजस्थान में उदयपुर में हाथीपोल मार्केट में बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ से आप मीनाकारी ज्वेलरी बाय कर सकते हो। मैंने मीनाकारी ज्वेलरी ज़्यादा बाय नहीं की बिकॉज आई ऑलरेडी हैव समथिंग इन स्टॉक, तो वो मैंने इसलिए नहीं बाय की वहाँ से। जो मैंने बाय किया है वो है माउंट आबू से, एंड दूसरा मैंने जो ज्वेलरी ख़रीदी है वो है अगेन फ्रॉम श्रीनाथ जी, वहाँ पे जो मार्केट, जैसे मैंने पहले बताया वहाँ पे जो मार्केट है बाहर, वहीं से मैंने वो ज्वेलरी ली है। मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ज्वेलरी में भी आपको काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज़ मिलेंगी। ये वाले सिंपल नेकलेसेस है जो मैंने वहाँ से लिए थे, वेरी ब्यूटिफुल डिज़ाइन, वेरी सिंपल, एंड साड़ी पे पहनने के लिए ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। एंड दीज नेकलेसेस हैव कॉस्ट मी ओनली 100 रुपीज़, ये मैंने लिए थे श्रीनाथ जी से। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला जो सेट है आप देख रहे हो ये मैंने लिया था स्पेसिफिकली माउंट आबू से, वहाँ पे जो मेन मार्केट है माउंट आबू का, वहाँ पे आपको सारे ऐसे सेट्स मिलेंगे। मैंने ये जो सेट ख़रीदा है ये है फॉर ओनली 150 रुपीज़, ये वाला एक सेट है। एंड अगर आपको नॉर्मल ज्वेलरी के अलावा कुछ यूनिक और अलग पहनना है स्पेसिफिकली साड़ी पे या ड्रेस पे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड गिफ्टिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ये भी मैंने लिया था, ये भी उसमें से ही एक सेट है जो मैंने लिया है। इसके बाद ऐसे मीनाकारी वर्क में आपको ऐसे काफ़ी सारे नेकलेसेस वहाँ पे मिलेंगे अलॉन्ग विथ ईयरिंग्स, तो ये सेट ही होता है जो आपको वहाँ पे मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं पहनने के लिए। एक अलग से अगर साड़ी पे पहनने हैं तो ऐसे सेट्स आप ले सकते हैं वहाँ पे। ये पर सेट मुझे पड़ा है सिर्फ 200 रुपीज़ का, ये मैंने लिया था फ्रॉम उदयपुर के। अलावा आई हैव शॉप दीज फ्रेम्स, तो ये सिंपल 3-पीस फ्रेम है जो मैंने लिया है, और यू वोंट बिलीव इसका कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज़ है। ये मैंने माउंट आबू से लिया था, माउंट आबू के दिलवाड़ा टेम्पल के बाहर ऐसा एक शॉप था, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स मिलेंगे, एंड मोस्टली ये वाले आपको माउंट आबू से ही ख़रीदने होंगे बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहीं पे ये फ्रेम्स देखे नहीं। सो वेरी गुड ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ उनके पास अवेलेबल थे, एंड ये वॉल पे लगाने के बाद भी ऐसे काफ़ी अच्छा लुक देता है। पर्सेस हो गए, दुपट्टे हो गए, बैग्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, और क्या क्या खरीद सकते हैं वहाँ से? ऑब्वियसली वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप खरीद सकते हो। मैं जो वहाँ से लेके आई हूँ वो एक बेडशीट है, ये बेडशीट का थोड़ा डिज़ाइन है, इट्स अ सिंपल बेडशीट, यहाँ पे थोड़ा हाथी वाला डिज़ाइन है इस पर, यू सी, ये बॉटम का डिज़ाइन है। तो ये बेडशीट है विच हैज़ कॉस्ट मी ओनली 400 रुपीज़, ये प्योर कॉटन जयपुरी बेडशीट है, एंड बहुत ये एक किंग साइज बेडशीट्स है, वहाँ पे कम्प्लीटली किंग साइज, मतलब दे एक्चुअली गिव यू किंग साइज और डबल किंग साइज बेडशीट, बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत वैराइटीज़ है वहाँ पे। मैंने ये लिया था उदयपुर से,
उदयपुर में जो मेन मार्केट है जहाँ पे आपको बांधनी लहरिया साड़ीज मिलती है, वहाँ पे बहुत सारे बेडशीट्स के भी शॉप्स हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ यू डिड देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड येस, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट की है। सो फ्रेंड्स, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगला व्लॉग जो आएगा वो एक कुकिंग व्लॉग होगा, बिकॉज इस क्वारंटाइन पीरियड में काफ़ी सारे लोग अपना हाथ आजमा रहे हैं cooking, then I am going to try my hands on cooking, लेकिन ये आएगा next vlog में, so stay tuned for that. I will see you soon in the next vlog. Take care, stay home, stay safe.